तो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो समझते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो पहले चैप्टर में देखते हैं कि है क्या 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 कह रहा है। चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले समझता है कार्बन को ही। कार्बन क्या है? कार्बन एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है मतलब क्या, किसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के हमारे पास हमारे 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है। अच्छा, एटॉमिक मास कितना होता है? हमें पता है एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितना हो गया एटॉमिक मास? 12। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, मास नंबर कितना होता है? 12। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 6 था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो बेटा 2.4, लास्ट शेल में आ रहा है 4, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4। कैसा होता है? टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब 4। ये 4 वैलेंसी शो करता है, टेट्रावेलेंट। अच्छा, कार्बन को क्यों पढ़ रहे, क्यों है कार्बन इतना इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ रहे हैं इतना कार्बन को? सबसे पहले, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में हमें कार्बन देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन देखने को मिलता है, प्लास्टिक में कार्बन देखने को मिलता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब में कार्बन देखने को मिलता है। इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। हमारे फ्यूल्स वगैरह, कोयला वगैरह, इन सब में कार्बन देखने को मिलता है, इसलिए कार्बन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अच्छा, क्या है ऐसा यूनिक कार्बन में जो हम इतना पढ़ रहे हैं? सबसे पहला, कार्बन बहुत लंबे लंबे भाई कंपाउंड फॉर्म कर पाता है, बहुत लंबी लंबी चेनें फॉर्म कर पाता है। दूसरा क्या कि बाकी जो नॉन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते जितने कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा क्या, इतने लार्ज एग्जिस्टेंस की वजह से हमने एक अलग ही केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी जिसमें सिर्फ कार्बन को पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पढ़ते हैं बॉन्ड्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? बॉन्ड्स के बारे में। 10th क्लास में जो दो मेनली बॉन्ड पढ़ने आपको पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का किया जाए तो इसका हो जाएगा 2.8.1, इसका 2.8.7, यानी सोडियम के लास्ट शेल में है बेटा 1, क्लोरीन के में 7। ठीक है, इसको एक की जरूरत है, इसके पास एक ज्यादा है, ये इसको दे देगा। यहां ट्रांसफर किया, जिसके पास ज्यादा था उसने कम वाले को दे दिया, यहां बना आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहां हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हाइड्रोजन है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए? 2। इसने बोला मैं तुझसे शेयर करूंगा, इसने बोला मैं तुझसे शेयर करूंगा, दोनों के 2-2 पूरे, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बना है शेयरिंग से। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 3 शेयरिंग देखने को मिलती है हमें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कैसे? हाइड्रोजन का समझो, अभी हमने हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक, इसके भी एक, इसने इससे शेयर कर लिया, इसने इससे शेयर, एक पेयर, सिंगल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.6, लास्ट शेल में 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, होने कितने चाहिए बेटा इसमें? 8। 2 इससे शेयर कर लेगा, ये वाला इससे शेयर कर लेगा, 2 पेयर यानी डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन की बात करते बेटा, एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी 2.5, लास्ट शेल में 5 है, बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, होने कितने चाहिए? 8। 3 इससे ले लिया, इसने इससे ले लिया, ट्रिपल बॉन्डिंग, 3 पेयर। क्लियर है बेटा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तीनों? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द यूनिकनेस, इतना यूनिक क्यों है, क्यों इतने कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है, क्यों चेन बना पा रहा है? प्रॉपर्टीज होती है कुछ हमारी कार्बन की। सबसे पहला, टेट्राकोवेलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। जिस वजह से ये ना ही दे सकता है ना ही ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये सिर्फ क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों? देखो, इसके पास 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2.4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, लास्ट शेल में 4 है, तो 4 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बट 4 और ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है,
और 6 प्रोटॉन के लिए पॉसिबल ही नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, 6 इसके खुद के, 4 और ले लेगा, 10 होल्ड ही नहीं कर सकता। अच्छा चलो होल्ड नहीं कर सकता, 4 छोड़ दे, 4 छोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, वो भी पॉसिबल है। यही चीज यहां बोला, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट कैन फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर 6 है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2.4, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, बट कार्बन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन बट डिफिकल्ट है होल्ड करके रखना, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन बट डिफिकल्ट है लूज करना इतने ज्यादा एनर्जी, तो इसीलिए शेयर करता है, देता या लेता नहीं, आयनिक कंपाउंड नहीं बना। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा कैटनेशन, कैटनेशन क्या होता है कि ये लंबी लंबी कार्बन चेने बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को कैटनेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स किसी एलिमेंट के सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कार्बन का एलोट्रॉप पढ़ना है, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप जो हमें पढ़ने हैं वो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन, फुलेरिन से बकमिंस्टर फुलेरिन पूरा नाम बोल लो। अच्छा कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, बट उसी का एक एलोट्रॉप डायमंड जो कि हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज होता है, टूल्स बनाने के लिए, ड्रिलिंग टूल्स बनाने के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है? तो ये इसका एक पार्ट है। ग्रेफाइट, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, बट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की जो कि इसी का एक क्या है, एलोट्रॉप, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्लियर है बेटा? तो ये एलोट्रॉप्स के बारे में, इसे पढ़ लेना, कुछ ज्यादा यूज है नहीं इसमें, पर तब भी ध्यान से देख लेना क्या लिखा। मेनली जो है वो आता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी, जिनमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, फॉर एग्जाम्पल CH4 कार्बन भी हाइड्रोजन, C2H6 कार्बन भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। दो टाइप्स का हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड बेटा जिसमें सिंगल बॉन्ड है, जिन्हें एल्केन्स कहा जाता है, और अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड को एल्कीन्स कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन्स कहा जाता है। अब बेटा एक बार इनका जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो आगे यूज आएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं एल्केन की तो CnH2n+2, और इसकी बात करूं बेटा एल्कीन की तो CnH2n, एल्काइन की CnH2n-2। यहां एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, कैसे बनेगा क्या होगा समझते हैं आगे। IUPAC नेमिंग में देखना बेटा, अगर नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन बेटा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, तो नाम के आगे क्या ऐड होगा प्रीफिक्स वो समझ ले। 1 है तो बेटा मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। अब ये मैंने आपको क्यों बताया वो आपको अभी समझ आएगा थोड़ा सा। देखो बेटा तीनों को समझते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे एल्केन को, किसको बेटा, एल्केन को, जनरल फॉर्मूला याद है CnH2n+2। अगर बेटा कार्बन एक है तो क्या बन जाएगा, C1H2 + 2 CH4, ये बेटा CH4। नाम क्या होगा बेटा, कार्बन एक तो मिथ कौन से ग्रुप से है, अगर देख रहे हो तो ये कौन सा ग्रुप, एल्केन, नाम के पीछे लगा दो एन, मीथेन। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक कार्बन उसके चारों तरफ हाइड्रोजन। अच्छा डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन के लास्ट शेल में चार होते हैं, चार बना दिए मैंने, हाइड्रोजन के में एक 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 एक। अच्छा ये हाइड्रोजन तो पूरा हो गया बट कार्बन के पास 8 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 और एक एक इनसे ले लेगा, 8 पूरे हो गए। अच्छा नेक्स्ट अगर बेटा कार्बन 2 हो तो क्या हो जाएगा, C2H2 + 4 + 2 6, कैसे बनेगा, 1 2, ये तो बेटा ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4, चारों कार्बन के चार चार बना दो, चारों कार्बन के चार चार बना दो और हाइड्रोजन हर किसी के साथ, और कार्बन के 8 इसके भी,
ये बनेगा बेटा, ये एल्केन ग्रुप हुआ बेटा, ये कौन सा ग्रुप हुआ? एल्केन ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन इथ एल्केन ग्रुप, नाम के पीछे इथेन, नाम के पीछे क्या आ जाएगा बेटा? इथेन। ऐसे अब दूसरा ग्रुप देखते हैं बेटा, सॉरी मिट गया, कोई नहीं, दूसरा ग्रुप देखते हैं। एल्कीन ग्रुप फॉर्मूला होता है CnH2n। पहला देखते हैं बेटा, कार्बन अगर वन रखा मैंने तो C1 यानी बनेगा CH2। क्या पॉसिबल है? कार्बन एक हाइड्रोजन दो, ठीक है। अगर इसको डॉट स्ट्रक्चर से देखो बेटा, हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन क्या कार्बन का हो पाए 8 पूरे? हाइड्रोजन के तो 2 पूरे हो गए, कार्बन के नहीं हो पा रहे, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 ले लूं तो C2H4, हाँ ये पॉसिबल है। देखो डॉट स्ट्रक्चर कैसे समझो, 1 2 देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और कार्बन के 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, क्लियर है। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन इथ और एल्कीन ग्रुप का यानी इथीन, क्लियर है बेटा यहाँ तक। ऐसे ही प्रोपीन, आगे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन सारे बन जाएंगे। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-। इसका भी बेटा फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं होगा, जो पिछले वाले का उसमें और कम कर दिए तो कहाँ से पॉसिबल होगा? तो 2 से लेते हैं, C2 2 × 2 −2 C2H4 − 2 C2H2। ये क्या पॉसिबल है? हाँ बेटा, दो कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग बताई थी आपको, पॉसिबल हो गया। इसका नाम क्या होगा? इथ एल्काइन ग्रुप है तो इथाइन। क्या नाम है बेटा? इथाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा, 1 2 3 और 4 कार्बन के 4 बना दे, इस कार्बन के भी 4 बना दे, और हाइड्रोजन 2 इधर, 1 इधर, तो इसके हो गए 8 और इसके भी हो गए 8, क्लियर बेटा। एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप। नेक्स्ट आती है बात बेटा फंक्शनल ग्रुप की। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है समझना, देखो कुछ पर्टिकुलरली हाइड्रोजन को हटाकर स्पेसिफिक एटम कुछ और जोड़ दिया जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप कुछ अलग तरीके से एक्ट करेगा, यही फंक्शनल ग्रुप का काम है। जैसे फर्स्ट आ जाता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन में हमारा आता है क्लोरीन या ब्रोमीन। जैसे हमारा देखो प्रोपेन, प्रोपेन कैसे बनता है? 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 प्रोपेन हमारा होता था बेटा C3H8, बट इसमें क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो नाम क्या क्या जाएगा? बस क्लोरो या ब्रोमो। तो क्या नाम आ जाएगा? क्लोरो या ब्रोमो, और पहले क्या था? प्रोपेन, तो वही क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन। यही अगर बेटा सिंगल बॉन्ड जो H था उसकी जगह OH आ जाए तो ये हमारा एल्कोहल ग्रुप, और नाम के पीछे ऑल आ जाता है। तो पहले प्रोपेन था, अब नाम के पीछे ऑल आ जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। यही बेटा ये अभी भी क्या है? प्रोपेन, बट अब दो सिंगल बॉन्ड हटा दिए और उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ ला दिया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, और नाम के पीछे क्या हो जाएगा? अल। तो अब क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन था, अब प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल, क्लियर है। अब बेटा सेम वही है, पहले प्रोपेन बना लिया, बट अब बीच वाले कार्बन में से दो बॉन्ड हटाए और डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया, बीच वाले, याद रखना, बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया तो ये हमारा कीटोन ग्रुप हो जाता है। कौन सा ग्रुप? कीटोन, और नाम के पीछे आता है ओन। तो पहले प्रोपेन था, अब हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, क्लियर है। उसके अलावा बेटा लास्ट समझना, लास्ट ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। 1 2 3 ये है बेटा। अब इसकी जगह क्या कर दिया?
एक H की जगह OH कर दिया और दो सिंगल बॉन्ड H हटा के एक डबल बॉन्ड O लगा दिया। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, नाम के पीछे ऑइक एसिड। तो पहले प्रोपेन था, अब जगह प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब बेटा होमोलोगस सीरीज क्या होती है? नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज होती है कि एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज सारे सेम लेंगे बट सी एच टू का गैप आ जाएगा। जैसे सी एच फोर है तो नेक्स्ट होगा सी एच टू, इसमें प्लस कर दो सी टू एच सिक्स, सी थ्री एच एट, सी फोर एच टेन, ये एल्केन ग्रुप हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अच्छा ऐसे ही हो सकता है सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच, सी टू एच फाइव ओ एच, सी थ्री एच सेवन ओ एच, सी फोर एच नाइन ओ एच। ये एल्कोहल ग्रुप, नाम के पीछे OH आ रहा था, एल्कोहल ग्रुप चल रहा है। कैसे चल रहा है? देखो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हर किसी में सी एच टू का गैप जरूरी है। ये हमारा कौन सा हो गया? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा हो गया? फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट बात आ जाती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ जाती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या है। सबसे पहले बात आएगी बेटा कंबशन की। कंबशन का मतलब ही होता है कार्बन को जलाना। कार्बन हमारा फ्यूल की तरह बहुत ज़्यादा यूज होता है, सैचुरेटेड कार्बन में, अनसैचुरेटेड कार्बन में। किस तरीके से? सैचुरेटेड कार्बन को जब जलाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को जब जलाया जाता है, तो ये इजिली जल जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, यानी ब्लू कलर की फ्लेम आती है और उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इजिली जल जाता है। वही अनसैचुरेटेड कार्बन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करो तो ये येलो सूटी फ्लेम के साथ, सूटी फ्लेम के साथ, यानी पॉल्यूटेड फ्लेम आती है और येलो कलर की आती है, उसके साथ जलते हैं। ये कुछ एग्जांपल, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, जलाया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को किया तो ये बना, और ये क्या है सी टू एच फाइव इथेनॉल, तो ये बना। तो ये कुछ रिएक्शन दे रखी है, सिंपल सा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? क्या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। देखो क्या हुआ, सी एच फोर सी एल टू, यानी सी एच फोर है और सी एल टू है, तो एक एच हट जाएगा तो तीन एच बटा और उसकी जगह सी एल आ जाएगा, तो सी एच थ्री और एक सी एल आ गया। प्लस यहाँ से एक एच हटा था, यहाँ पे भी एक सी एल बचा, एच सी एल बन गया। एक ने दूसरे को हटा के खुद उसकी जगह आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनी ऑफ अ क्लास केमिकल रिएक्शन इन विच एटम आयन और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का यूज कहाँ होता है? एल्कोहल्स को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो CH3CH2OH यानी C2H5OH ये इथेनॉल है, इसको जब मैं KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर मैं रख दूं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3COOH, यानी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है बेटा? इसका यूज होता है अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए। जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड RR बेटा कोई भी अल्कलाई ग्रुप, पर्टिकुलरली कुछ भी जुड़ा सकता है। इसको निकल या पैलेडियम, निकल या पैलेडियम क्या है बेटा? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होते हैं? जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। क्लियर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके साथ दो एच और आर वगैरह भी जुड़ जाएंगे। इसका यूज कहां होता है? वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, जो डालडा वगैरह बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अगर पूछे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बताओ तो ये बता दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले समझेंगे हम किसके बारे में? इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल कैसा होता है? कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, सूंघने में अच्छा लगता है, टेस्ट बर्निंग, पीने पे जलेगा, वाटर में सॉल्युबल है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल है, नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो अगर इसे सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये H को हटाकर खुद उसकी जगह आ जाता है, यानी C2H5
OH की बात करो और इसे सोडियम से, तो सोडियम H को हटाएगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा C2H5ONa पॉजिटिव, इसे बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। और जो इसके साथ गैस निकलती है वो गैस निकलती है H2, और H2 को टेस्ट किया जा सकता है। मेटल चैप्टर याद, पोप टेस्ट बस याद रखना। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है बेटा? C2H5OH अभी तक ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हॉट जब इसे रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अनसैचुरेटेड बन जाएगा और वाटर रिलीज कर देगा, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स को साइड कर दिया। ये तो हुआ बेटा किसके बारे में? इथेनॉल के बारे में। अब समझेंगे इथेनॉइक एसिड के बारे में। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये भी कैसा होता है? सेम कलरलेस लिक्विड होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, सॉर होता है, स्मेल विनेगर की तरह होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर जो हमारा प्योर इथेनॉइक एसिड है इसे हम फ्रीज करके रख ले तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिडिक, व्हाइट कलर के बर्फ टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो आती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इथेनॉइक एसिड यानी CH3COOH को इथेनॉल यानी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दूं तो बनता है ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड CH3COOCH2CH3। ये है ईस्टर। ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जो हमारे सोप में, अगरबत्तियों में, परफ्यूम में स्मेल के लिए यूज होता है, अच्छी स्मेल के लिए। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा ईस्टर बना था CH3COOCH2CH3, इसको बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराए तो क्या होता? CH3COONa प्लस CH3CH2OH, यानी अल्कोहल अलग हो जाता है और ये सोप बन जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इज सपोनिफिकेशन। इससे सोप प्रिपेयर किया जाता है। क्या बनाया जाता है? सोप। तो यहीं से एक नया टॉपिक जुड़ता है हमारे पास, सोप एंड डिटर्जेंट्स का। किसका? सोप एंड डिटर्जेंट्स का। दोनों को समझते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या है। सोप हमारा सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के। फॉर एग्जांपल ये C17H35COONa+ C17H35। अच्छा, सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर से ज्यादा समझो वो वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट कम हो, कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट कम हो। अच्छा, डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट भी कार्बोक्सिलिक की लंबी चेन होते हैं और सोप भी कार्बोक्सिलिक की लंबी चेन होते हैं, बट दोनों में अलग अलग चीज आती है। इसमें आता है सोडियम और पोटेशियम, इसमें आता है अमोनियम और सल्फोनेट। इनमें से डिटर्जेंट हमारा हार्ड वाटर में भी काम कर लेता है, सॉफ्ट वाटर में भी काम कर लेता है। अब सोप मॉलिक्यूल को समझेंगे, क्लीनिंग एक्शन को समझेंगे। सोप मॉलिक्यूल में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रो यानी पानी, फिलिक मतलब प्यार, जो पानी से प्यार करे, और फोबिया यानी डर, जो पानी से डरे। तो दो एंड होते हैं। तो जो हमारा आयन वाला पार्ट होता है यानी सोडियम, जैसे ये जो सोडियम या पोटेशियम वाला पार्ट होता है, ये हमारा कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, ये पानी से प्यार करता है। और जो दूसरा कार्बोक्सिलिक की चेन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक, वो पानी से दूर भागने की कोशिश करता है। और इसी का यूज करके हम कपड़े साफ करते हैं। कैसे? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझो। देखो, मैं इतना ज्यादा को एक छोटी समरी में समझ लो, ये एक पर्टिकुलर कोई डर्ट पार्टिकल है। ज्यादातर डर्ट पार्टिकल ऑयली इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? ऑयली इन नेचर होते हैं। यही चीज बोला, मोस्ट डर्टी पार्टिकल्स आर ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ विद डर्ट एंड द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा? देखो, मैंने बताया था जो हमारा कार्बोक्सिलिक की चेन है वो डर्ट के साथ चिपक गई, जो कार्बोक्सिलिक की चेन है वो पानी से दूर भाग के डर्ट के साथ चिपक गई, और जो हमारा दूसरा आयनिक पार्ट है जो पानी से प्यार करता है वो पानी से घिर जाएगा। ये पानी से घिर गया और ये डर्ट से दूर भागेगा, ये पानी के पास जाएगा। अब क्या होगा बेटा? दिस इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। अब ये एक मिसल फॉर्म हो गया, इसे बोलते हैं एक मिसल। ये एक मिसल फॉर्म हो गया। अभी क्या करेगा? सोडियम इधर पानी की तरफ खींचेगा और ये कार्बोक्सिलिक की चेन डर्ट की तरफ खींचेगी। इससे होगा कि दोनों में फोर्स क्रिएट होगा अपोजिट साइड में और डर्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, जिससे पानी आसानी से उसे साफ कर सके। यही बोला,
जिससे कि सोप मिसल हेल्प्स टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस वाटर एंड गेट क्लोथ्स क्लीन। स्टेप बजाया कैसे हुआ? अब जो हमारा वाटर, जो हार्ड वाटर बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो कि सोप को अच्छे से काम नहीं करने देता पानी के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, क्योंकि एक चीज फॉर्म कर लेता है स्कम। स्कम डिफिकल्टी अराइज करता है हमारा क्लीनिंग एक्शन में, किसमें? क्लीनिंग एक्शन में। इसीलिए स्कम फॉर्म ना हो हम किसका यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स का। हार्ड वाटर में किसका यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स का यूज, क्योंकि डिटर्जेंट हमारे स्कम फॉर्म नहीं करते बेटा। क्लियर है? यही आपका पूरा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, आई नो समझ आने में दिक्कत होगी, एक बार समझना, दो बार समझना, मल्टीपल, ये ऐसा चैप्टर है जिसको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो अभी बहुत टाइम है, इसको बार बार मल्टीपल रिवाइज करो, मल्टीपल रिवाइज करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, रिपीट हो रहे क्वेश्चन उन्हीं को करते जाओ। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछो, क्लियर करेंगे। ठीक है, खत्म करते चैप्टर।